हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली डेकोरेटिव कुछ और आइडियाज़। इन सारी चीज़ों को आप अपने घर में रखे हुए पुराने सामानों से भी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैंने लिया है 3 कांच के बैंगल्स, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, और ऐसे कुछ रेड स्ट्राइप्स, आप चाहे तो कोई और भी कलर ले सकते हैं। फिर आप ग्लू के मदद से सारे स्ट्राइप्स को अच्छी तरीके से बैंगल्स के ऊपर ऐसे रोल रोल कर दीजिए और पूरे बैंगल को अच्छी तरीके से कवर कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ। तो पूरा कवर करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, और ऐसे अगर थ्रेड निकल जाए तो आप उसे सीजर के मदद से अच्छी तरीके से काट लीजिए। और अब मैं ले रही हूँ कुछ इस तरीके का लेस। तो बैंगल के ऊपर हमें ग्लू लगाना है और लेस को ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने स्ट्राइप्स से पूरे बैंगल को कवर किया था, लेस से भी ठीक उसी तरीके से कवर करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप रखना है ताकि रेड कलर भी दिखे। और एंड में भी आप इस तरीके से ग्लू लगा के अच्छी तरीके से सिक्योर कर लीजिए। मैंने कुछ और भी बैंगल्स बनाए हैं, ये देखिए। मैंने यहाँ 4 रेड कलर का बनाया है और 2 येलो कलर का। और कुछ पॉम पॉम्स बनाए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब थ्रेड और नीडल के मदद से सारे पॉम पॉम्स को अरेंज करूंगी। पहले एक ब्लू पॉम पॉम डाला है, फिर उसके बाद 2 व्हाइट बीट्स डाले हैं, फिर एक ऑरेंज बीट्स डाला है और फिर 2 व्हाइट बीट्स, और एंड में एक ऑरेंज पॉम पॉम। तो इसी तरह से आपको कुछ और बनाने हैं। तो सिंपली आप एक बैंगल ले लीजिए और ये जो पॉम पॉम की लड़ी है इसको इसमें अच्छी तरीके से अटैच कर दीजिए। अब आप एक दूसरा बैंगल लीजिए और उसको इस तरीके से नीचे की तरफ अटैच कर दीजिए। और ऐसे ही आपको एक के बाद एक सारे बैंगल्स अटैच करने होंगे, लेकिन मैं इसे डोर के दोनों साइड लगाने वाली हूँ, इसीलिए दोनों तरफ ही 3-3 बैंगल्स दिए हैं। ये जो आप एलिफेंट देख रहे हैं ये मेरे की रिंग का था, तो इसको भी मैं इसके नीचे अटैच कर दूंगी। तो इसको अटैच करने के बाद ये और भी सुंदर दिख रहा है। और ऊपर की तरफ एक ऐसा लूप बना रही हूँ ताकि मैं इसे हैंग कर सकूं। और हमारा वॉल डोर हैंगिंग बिल्कुल रेडी है। आप इसे डोर के दोनों साइड भी हैंग कर सकते हैं, या फिर एक साइड भी हैंग कर सकते हैं, या फिर आप इसे चाहे तो वॉल में भी हैंग कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एक ग्लास बॉटल। इसका पहले का डिज़ाइन थोड़ा पुराना हो चुका था, तो मैंने सोचा कि दिवाली में इसे कुछ न्यू तरीके से डिज़ाइन करूँ। तो पहले वाला मैंने कलर निकाल दिया और अब मैं इसे कुछ और इसके ऊपर पेंटिंग करने वाली हूँ। तो पहले आप ये देखिए, मैं यहाँ एक बेस कोट दे रही हूँ। सो बेस कोट सूखने के बाद मैंने इसके ऊपर ड्राइंग किया है। एक गर्ल है और उसके हाथ में एक दिया है। तो इसके फेस में मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ। और अब इसके नेक में भी सेम कलर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने बाकी का कलर भी कर लिया है। फ़ोन की बैटरी डेड होने के वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो मैं यहाँ बता देती हूँ मैंने क्या क्या कलर किया है। पहले आप इसका आई देखिए, इसको मैंने ब्लैक से बॉर्डर किया है और अंदर की तरफ ब्राउन कलर किया है। लिप्स को रेड किया है और ब्लैक बॉर्डर किया है। यहाँ इसका ईयरिंग है जिसको मैंने येलो किया है और इसके साइड में भी ब्लैक बॉर्डर किया है। और इस साइड में देखिए, मैंने यहाँ पर इसका हैंड बनाया है जिसको मैंने ब्राउन कलर किया है। और इसके हाथ में जो दिया है उसको रेड कलर किया है और दिए के लॉक को येलो कलर किया है। और साइड में मैंने यहाँ कुछ फ्लावर्स भी बनाए हैं। सो ये जो पेंटिंग है ये मैंने गूगल से देख के बनाया है। और अब इसके हेयर को कर रही हूँ ब्लैक कलर। और फेस के दूसरे साइड अब ग्रीन कलर करूंगी। तो ये पूरा कलर हो चुका है और अब और कुछ छोटे छोटे डिटेलिंग है जो अभी मैं कर रही हूँ। और साइड में यहाँ मैंने कुछ और फ्लावर्स बनाए हैं। और अब बॉटल के ऊपर के पोर्शन को भी थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो मैंने यहाँ ग्लू लगा लिया है और पूरा जूट रोप से कवर कर रही हूँ। और अब रोप के नीचे की तरफ कुछ टैसल्स लगाऊंगी। और हमारा दिवाली स्पेशल बॉटल पेंटिंग रेडी है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ अगेन एक ग्लास जार। एक्चुअली ये मेडिसिन का बॉटल है, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और उसके ऊपर अब मैं दे रही हूँ बेस कलर। और इसका जो फाइनल कलर है ये मैं ब्लू करूँगी। तो कलर करने के बाद अब मैं येलो और ग्रीन कलर से कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी इसके ऊपर। आप चाहे तो कोई और भी मनचाहा डिज़ाइन बना सकते हैं।
एंड ये देखिए बॉटल के ऊपर मैंने मेरा फेवरेट पिंक कलर का टैसल लगाया है। और हमारा लास्ट DIY भी रेडी है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सजा सकते हैं या चाहे तो फ्लावर वास की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।